राजनीति के पारिवारिक शो परिवार की बात। आज हम आपको राजस्थान के अजमेर में उदावत परिवार से मिलवाएंगे। उदावत परिवार और उनके कई दोस्त एक साथ बैठेंगे, लेकिन देश और प्रदेश की राजनीति पर सबकी राय अलग अलग है। कोई बीजेपी सरकार के साथ है तो दूसरे का तर्क सब मिले हुए हैं जी। और अजमेर की पहाड़ियों के बीच बह रही सियासी हवाएं इस वक्त किसके साथ है, वहां के एक परिवार से बेहतर कौन बता सकता है। चलते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर राम मंदिर कहाँ है? बीजेपी मंदिर बनाना चाहती है, उसको रोक कौन राम मंदिर बनाने से? मैम, राम मंदिर बीजेपी का तंदूर है। गांव का व्यक्ति खुश नहीं है तो फिर कोई खुश नहीं है। गांव को गांव बनाने में सबसे ज्यादा रोल 70 साल किसने प्ले किया मैम? 70 साल पहले कुछ नहीं था, हमारे पास चलने के लिए सड़कें नहीं थी। रंगो चमन में इख्तलाते भू से होती है खुशबू, हमें तो क्या, हमें तुम्हें तुम हो तो क्या। दुनिया में पर्यटन के लिहाज से भी बहुत बड़ा महत्व रखने वाला शहर अजमेर। अजमेर में जो विधानसभा सीट है, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये उत्तर विधानसभा सीट है। ये नेताओं की बातें हैं, लेकिन वोटर के मन में क्या है, ये समझने के लिए हम एक परिवार में पहुंचे हैं। और इस परिवार के जितने सदस्य हैं, इन सब से मिलवाने के लिए हमारे पास इस परिवार की मुखिया हैं, गीतिका उदावत। गीतिका आपका परिचय कराएंगी पूरे परिवार से, और फिर इस परिवार के बीच की अलग अलग विचारधाराओं में कहां वोटर का मिजाज ठहरता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार गीतिका जी, आप आ जाइए। अगर हम आपसे पूछें, आपके यहाँ इस वक्त जितने भी लोग हैं, पड़ोसी रिश्तेदार परिवार मिला के, एक एक से हमारा परिचय कराएं जरा, कौन कौन है? ये है आलोकिया, और ये है विपुल भैया, ये सुधाकर भैया, ये अजय भैया, और ये मेरे पति। इन्हें आपने भैया नहीं बोला, चलिए। इन्हें नहीं बोल सकती, है मेरे पति अनूप उदावत, ये हैं भाभी वर्षा, और वो भी भाभी हैं, उनका नाम पूजा है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा भी नाम पूजा है। आप, तुम्हारा नाम क्या है? आद्रजा। आद्रजा, बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक नाम है। पारंपरिक परिधान में गीतिका जी हैं। गीतिका जी से हम कहेंगे वो अब अपनी जगह ले लें और हम इस परिवार से बात करें। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी कोशिश करेंगे अजमेर के बारे में बताने की। यहाँ से इस वक्त दो कैंडिडेट मैदान में हैं, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, बाकी सीटों की तरह इस सीट पर भी। आपसे अगर मैं पूछूं दावत जी, तो इस वक्त ये जो सीट है, जिसके कब्जे में है उसी के कब्जे में रहने की कितनी संभावना लगती है? मुझे तो इस बारे में बहुत कम संभावना लगती है। हालांकि बीजेपी की जो सीट है अभी, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब ने तो बहुत काम किया है, बट जो उनके थॉट्स थे, उनके जो प्रोसेस थे, वो ग्रास लेवल तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, और इसलिए यहाँ के नॉर्मल पब्लिक में बहुत ही आक्रोश है। लेकिन यहाँ जो वोटर है, उनसे ये समझते हैं, गीतिका बैठी हैं अपने पतिदेव के साथ, उनसे हम ये आपसे पूछेंगे कि जब एक परिवार वोट देने के लिए जाता है तो क्या ये जरूरी है कि सारे वोट एक तरफ पड़े? जैसे अभी आपके पति ने साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए तो बड़ा मुश्किल है, काम हुआ नहीं है, आप बताइए। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे वोट एक ही तरफ जाएं पूरे परिवार के, क्योंकि हमारे घर में ही हम दोनों भी बिल्कुल उलट हैं, दो वोट बट गए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं शुरू से भाजपा का ही करती हूँ समर्थन, और इस बार भी बेशक रलावता जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी इसीलिए वोटर का मिजाज समझना नेता के लिए आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 दिसंबर को जो पेटी में पड़ेगा, जो ईवीएम में दबाया जाएगा, उसी से तय होगा कि यहाँ जो कद्दावर नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनका होगा क्या। अजय सिंह हमारे साथ हैं। अजय जी, आप इतने वक्त से अजमेर से जुड़े हुए हैं, अजमेर की राजनीति को देखते रहे, यहाँ भी राजस्थान की तरह पासा पलटता रहता है? अभी तक तो यही ट्रेंड चलता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार स्टार्टिंग पिछले मतलब 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर पासा पलटने वाला है, कांग्रेस आने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया। अभी जो लिस्ट लेट डिक्लेयर करी, और लेट डिक्लेयर करने के बाद जो हाल कांग्रेस का आप देख रहे हो, धरना प्रदर्शन, मतलब धरना प्रदर्शन होना चाहिए अपनी पार्टी के खिलाफ, गुस्सा अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी डैमेज पार्टी का करना चाहिए, वो डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। हिंदुस्तान इस तरह से नहीं चल रहा है साहब।
हिंदुस्तान चल रहा है अपने व्यक्तिगत अपने तरीके से काम करने से, जो आज तक इतने सालों से सरकारें आती हैं चली जाती हैं। आपकी बीजेपी कुछ कह रही होगी, आपकी कांग्रेस कुछ कह रही होगी, उससे नहीं होता है। हिंदुस्तान की जनता है ये सब जानती है, बहुत अच्छे से इस बार बहुत ही सोच समझदारी से वोट देगी, ये चीज तो पक्का है। लोग बाग बोलते हैं कि वो अच्छे दिन कहाँ हैं, वो अच्छे दिन कहाँ हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है मैम आप सबसे, अच्छे दिन तो तब आते हैं ना जब बुरे दिन होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है बुरे दिन लाने वाला कौन है? ये अच्छा है कि शुरू में ही 10 साल मांग लो ताकि अगले 5 साल की तैयारी। 60 साल पहले बैलगाड़ी में चलते थे, आज मर्सिडीज में चलते हो। आपकी बैलगाड़ी मर्सिडीज में बदल गई बताइए। 45 में जापान डिमोलिश हो गया था पूरी तरह से, है ना। आप 1945 से इंडिया आजाद हुआ 1947 में, लेकिन जापान पूरी तरह से तबाह गया था 1945 में। आज जापान को देखिए कहाँ है और इंडिया कहाँ है। अगर वही डेवलपमेंट इंडिया में होता जितना जापान में होता, इंडिया जापान से कहीं आगे होता, क्योंकि रिसोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 1945 में एक देश तबाह होता है और आज विकास की नई कहानियां लिख रहा है। हमारा देश विकास के जुमलों पर तो जी रहा है लेकिन विकास किसी शहर में नजर नहीं आता। महिला वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में है, लगभग आधी आबादी कहलाती है महिलाएं। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप जब वोट करने जाती हैं तो विकास के नाम पर वोट करती हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करती हैं, या धर्म के नाम पर वोट करती हैं? ना, धर्म के नाम पे। हम तो बेसिक नीड्स जो हमारी है अगर वो फुलफिल होती है तो हमको देखते हैं। जैसे अभी रिसेंट की बात है, हमारे यहाँ पे पेंट का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, गाड़ियों की पेंटिंग हो रही है और वो पूरा फैल रहा है। मैंने उसके बारे में लेटर पीएम हाउस, सीएम हाउस, नगर परिषद, एवरीवेयर मैंने लिखी है, लेकिन मुझे पीएम हाउस से 3 बार कॉल आया लेकिन आज तक हमारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आया? हाँ, कॉल आया। यहाँ से सिर्फ पेपर पे कार्रवाई करके भेज दी गई कि हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, लेकिन हमारी आज तक ना तो रोड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना किसी चीज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो देश में आप हाईवेज और एक्सप्रेसवे और पेरिफेरल वे बनाते रहिए, उससे मुझे क्या मतलब है? मेरे घर की गाड़ी तो सड़क पे आनी चाहिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अजमेर की खूबसूरत पहाड़ियों में सूर्य अस्त हो रहा है और ये शाम का वक्त है। इस खूबसूरत शहर की खूबसूरत शाम के बीच में ये जरूर हम बता दें कि राजनीतिक पार्टियों के लिए माहौल खूबसूरत नहीं है, जो सत्ता काबिज हैं उनके लिए भी और जो विपक्ष में बैठे सत्ता के सपने देख रहे हैं उनके लिए भी। इन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरे घर के आसपास की सड़क ठीक है, पानी आता है या नहीं आता है। आप जब वोट करने जाती हैं तो क्या सोचती हैं? मैम बिल्कुल, मैं उदावत सर से और वर्षा भाभी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ये राजनीतिक पार्टीज आ रही हैं, जो ये बीजेपी और कांग्रेस की जो पक्ष और विपक्ष के जो टकराव हैं उसमें मेनली जो देखा जाए, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वो ग्रास लेवल से ही होगा। जस्ट एज यू सेड कि आज आप फ्लाईओवर्स बना रहे हो, ये बना रहे हो, नो डाउट दैट इज ऑन अ लार्जर स्केल, लेकिन जो ग्रास लेवल पे जो डेवलपमेंट्स, जो एमिनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए और जो फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, बेसिक एमिनिटीज़, दे शुड बी फुलफिल्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। जी ये बताइए, मोदी जी का विकास जो है वो प्रशासन तक नहीं पहुंचता है क्या? हवलदार को इतनी अथॉरिटी नहीं है किसी को डांट दे? मोदी जी का विकास प्रशासन तक तो पहुंचता है, लेकिन मैम सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो हमारे राजनेताओं का जो विजन है, उदावत जी ने कहा जो राजनेताओं का विजन है वो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ना कि भाई हवलदार तो चाहता है काम करे लेकिन जो राजनेता बैठे हैं वो उसको काम नहीं करने देते। अजमेर के व्यक्ति ने भी जो लोकसभा में वोट दिया ना, उसने सोच के दिया कि यार उस बंदे ने खड़े होकर कहा था कि अच्छे दिन आ रहे हैं। एक छोटे सा एक मैं लेता हूं, आप समझ जाएंगे लीडर क्या होता है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना वो ना उर्दू बोलते थे ना अरबी बोलते थे, वो अपनी स्पीच थोरो इंग्लिश में देते थे। तो एक बीबीसी के पत्रकार ने कहा यार ये रिक्शा चलाने वाला तालियां पीट रहा है, इसकी क्या समझ में आ रहा है, पूछो। तो रिक्शे वाले से बीबीसी वाले कहा यार तू पंजाबी पूछा चपड़ कनाती, वो अंग्रेजी में बोल रहा है, तेरे क्या समझ में आ रहा है, तू तालियां पीट रहा है। बोले मुझे एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा लेकिन मुझे विश्वास है वो बंदा मेरे अच्छे भविष्य के लिए बात कर रहा है। तो हमने भी मैंने भी नरेंद्र मोदी की मुझे लगा हाँ यार बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन एक इस प्रकार का प्रकाश दिखाया गया था कि सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा वो हो रहा है कि शायद वो देखिए वो सूर्य हम दिखाते हैं, मेरे कैमरामैन विकास दिखाएंगे कि सूर्य वो अस्त हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ठीक उसी वक्त चांद भी निकल रहा है दूसरी तरफ आसमान में, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। यही लोकतंत्र है कि एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ चांद निकल रहा है। संकेत साफ हैं, इस वक्त जिसकी सरकार है उसको रहना है या नहीं रहना है, ये तस्वीरें देखकर समझ जाएं कि मुकाबला टक्कर का है, दोनों तरफ चल रहा है। ये बताइए, इन्होंने कहा कि भरोसा कायम करता है लीडर तो फिर मन में वोटर के भी विश्वास जगता है, लेकिन 5 साल जब बीत जाते हैं तो वो भरोसा थोड़ा सा टूटता है क्या?
नहीं, भरोसा डगमगाता जरूर है, लेकिन अगर आपने भरोसा किया है तो अखंड रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस मुकाम तक आने में समय लगेगा। एक दिन में कोई बीज वृक्ष नहीं बन पाता, समय चाहिए। हमारे दावा साहब कह रहे थे फ्री का बांटना बंद करिए। फ्री के बांटने की प्रथा चालू किसने करी इस देश में? नरेगा, मां नरेगा, ये नरेगा। आप पूछिए कि आप चार चार आप दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, फिर आपको मिल रहा था। यहाँ तो पोकेट का मोबाइल बांट दीजिए साहब, आपको 100 रुपए के अंदर 500 रुपए आप जमा कराइए, आपको मोबाइल मिल गया। हर एक आदमी को आपने बीमार करने का दे दिया। हर एक आदमी कान के अंदर वो लगा के घूम रहा है, गाने सुन रहा है। और तो और अच्छा, और तो आपकी आपकी मेड को भी मिला? मेरी मेड है, उसको भी मिला है मोबाइल, और अच्छी पढ़ी भी है वो, भी क्रिश्चियन है वो भी, और अच्छे से बोलती है वो, बातचीत भी अच्छे से करती है। लेकिन उसको मोबाइल मिला है, लेकिन उसके किस काम का? वो सिर्फ अपने सुबह भजन सुनती है कानों में लगा करके, काम में उसका ध्यान नहीं रहता है। अगर मुझे कुछ कहे भी तो उसको कुछ सुनाई नहीं आता, क्योंकि मुफ्त का चंदन जिस मेरे नंदन सुना है ना आपने, ये वो हाल हो रहा है कि राजनेता जो है वो रेवड़ियां तो बांट रहे हैं, लेकिन उसका हो क्या रहा जी? आज अगर यही मोबाइल मोदी जी ने प्रोवाइड कर दिया तो मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए। अगर यही मोबाइल वो प्रोवाइड नहीं करते ना, मोदी जी ने किया क्या? गरीबों को देना चाहिए था, गरीबों को मिला। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है। तो मुझे आप एक बात बताइए, एक घाव जो इतने टाइम से उस पे पपड़ी जम रही है, शांत हो रहा है, वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को क्यों रिसा रहे हैं बार बार? नाम बदलने ये और वो एक ऐसा मुद्दा है, वो सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान में जगह जगह राम मंदिर की चर्चा हो रही है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं ये, इन्होंने राम मंदिर की बात करी क्या? आज मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, इनके घर में घुस के कोई इनको 2 लात मार के घर से बाहर निकाल दे और फिर इनकी इतनी हिम्मत हो जाए कि वापस अपने घर में घुसने की कोशिश करें, तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्या आज एक हिंदू अपने भगवान का, देव का मंदिर वहाँ जिसको तोड़ा गया वापस नहीं बनवाएगा? अच्छा ये बताइए, चलिए चलिए अजय जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ये मैं आपकी बात मान लेती हूँ। यूपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर राम मंदिर कहाँ है? राम मंदिर मैम फिर वही, हर जगह बीजेपी की सरकार है, बीजेपी मंदिर बनाना चाहती है, उसको रोक कौन रहा है मंदिर बनाने से? आपने जैसे ही हम कुछ एक मेरे बड़े भाई साहब ने कहा, मैं इनसे ही सीखा पड़ा हूँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी मैम राम मंदिर बीजेपी का तंदूर है, वो उसकी रोटी है, वो कभी नहीं बनने देंगे के नाम पे। हमारे देश में हो क्या रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन आवर कंट्री? एंटी हिंदुइज्म इज सेक्युलरिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अजमेर विधानसभा में राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, क्योंकि देश मोदी वर्सेस राहुल गांधी भी देख रहा है, सिर्फ वसुंधरा वर्सेस सचिन पायलट नहीं देख रहा है, वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत नहीं देख रहा है। इस बीच में हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को मंदिर चाहिए, विकास चाहिए, या उस जगह पे हॉस्पिटल बन जाए आज, इससे कितना फर्क पड़ता है? आपसे मैं पूछूंगी, जो झगड़ा यहाँ चल रहा है, आपको क्या चाहिए? मैडम वन सेकेंड, मैं यही आपसे वो कहूँगी कि जो भी कुछ है वो इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं उनके फेवर में हो, उनकी फैसिलिटीज के लिए हो। अगर डेवलपमेंट की बात होती है, हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, महानरेगा कौन सा मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन? और ये देखिए देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगर गांव का व्यक्ति खुश नहीं है तो फिर कोई खुश नहीं है। मैं भी फेवर में, गांव के व्यक्ति को, इस गांव को गांव बनाने में सबसे ज्यादा रोल 70 साल किसने प्ले किया मैम? 70 साल का समय था, 70 साल नहीं था, 70 साल पहले क्या था? 70 साल पहले कुछ नहीं था, हमारे पास चलने के लिए सड़कें नहीं थी, हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। एक मैं आपको अजमेर के बगल में जो पुष्कर में मेला लगा है, वहाँ 1,51,00,000 का घोड़ा अगर बिक रहा है तो कुछ समृद्धि तो इस देश ने कर ली होगी। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, लेकिन इस बीच में लड़ाई वही है कि विकास जो है वो सिर्फ केंद्र में पीएमओ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो मेरी गली तक पहुंचना चाहिए। और यही बात ये भी कह रही है आपसे मैं फिर पूछूंगी, आपको विकास चाहिए मंदिर चाहिए? मुझे विकास चाहिए मंदिर में। अयोध्या हम कब जाएंगे, कब जाके वहाँ पे राम मंदिर के राम भगवान के दर्शन करेंगे? मुझे पहले अपने घर के बाहर की सड़क सही चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए सारा अच्छा चाहिए कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो चीज़ों के नहीं फेस करे। ये नेता दूर नहीं जा सकेंगे इस बार, जनता ने एक और अंदर से आपको आवाज़ मिलेगी कि इस बार इन नेताओं को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमने जब जिस किसी को भी वोट देके जिताएंगे, लेकिन वो ये ना समझे कि अब बस वोट लेके जीत के मैं दिल्ली चले गया हूँ, जयपुर में बैठ गया हूँ, वहाँ चले गया हूँ। इस बार जनता ने, अजमेर की जनता ने ये भी ठान रखा है कि उसको उसके घर से बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे सड़क के ऊपर, ये भी जनता ने अजमेर की। तो अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए जी। जो एक हबीब जालिब का महान शेर है कि रंगो चमन में इख्तलाते भू से होती है खुशबू, हमें तो क्या, हमें तुम्ही तुम हो तो क्या, तुम हो तो क्या तुम हो, ये बात समझ लेनी चाहिए। भले ही केंद्र में राज्य में एक ही तरफ बयार बह रही हूँ, लेकिन अब राजनीति में रेगिस्तान में हवाएं चल पड़ी हैं, सैंड ड्यून्स भी बदल सकते हैं, कहीं और पहुंच सकते हैं।
उदावत परिवार में राजनीतिक चर्चा बड़ी गर्म हो चली है। सबके अपने अपने सवाल और जवाब, नतीजा नहीं निकल रहा, इसलिए अब चलते हैं अम्मा जी के पास, वही करेंगी सही फैसला। भाई सारे आने अम्मा जी की राम राम, कैसे हो तुम सारे, बढ़िया हो? राम राम अम्मा जी। अम्मा ये बताओ कि चुनाव के वक्त सारे नेता इतने धार्मिक क्यों हो जाते हैं? या तो तुम भी बढ़िया जानो हो, ला मैं तो साफ कहूँ और सुन लो तुम भी। बात इसी है कि हमारे देश में नेता अपने ते ज्यादा भगवान पे भरोसा करे हैं, और चुनाव के वक्त या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाओ है कि ना, या तो तुम भी जानो हो, वह कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। आगे तुम जोड़ लो, तुम खुद ही समझदार हो हैं? अम्मा जी, क्या नेताजी भी मिलावटी होते हैं? तो फिर खाटी नेता की पहचान कैसे होती है? ले भाई, मैं तो एक बात साफ कहूँ, कई चीजों के बारे में सोचना बंद ही कर दो तुम के ना। भाई तुम बताओ, दूध में मिलावट कम हो गई के, और दूध ही के है, सब्जी फल और नियत ले लो, आजकल तो नियत में भी मिलावट है के ना। तो फिर तुम यह कैसे सोच रहे हो कि मिलावटी नेतन की सप्लाई बंद हो जाएगी है? अम्मा जी, हमारे परिवार में दो दो पार्टियों के लोग हैं और दोनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा? तुम तो किसने कह दिया समस्या है, या तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आजकल हर आदमी दो दो चीजन के पीछे भाग रहा, दो मकान, दो गाड़ी, दो बच्चे, दो रहन दो, तुम तो सब समझो है, और तारे तो दोनों हाथन में लड्डू है, फिर के चिंता है, जो जीतते वही कूद लो, वो बन गई बात। ये जो अजमेर की खूबसूरत फिजाएं हैं, ये संदेश यहाँ से साफ दे रही हैं कि किसी के लिए भी विधानसभा चुनाव की डगर आसान नहीं है, लिहाजा 2019 भी आसान नहीं है, ये बात तय है। कैमरामैन विकास के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, अजमेर।